बैजनाथ पपरोला के निवासी चमनलाल ग्रोवर को ये यकीन नहीं हुआ कि देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन्हें फोन करके उनसे बातचीत की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में जब भाजपा के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उस समय चमन ग्रोवर बैजनाथ के विधायक दूलेराम के खासम खास थे और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। चमनलाल ग्रोवर से प्रधानमंत्री की बात से पहले उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर भाजपा के शिमला कार्यालय से फोन आया कि अभी आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। 2 मिनट बाद एक प्राइवेट नंबर से फोन आया जिसमें कहा गया कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। चमनलाल ग्रोवर ने बताया कि जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री का फोन आया तो उन्होंने तपाक से जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं पहचानूंगा आपको, ये आवाज देश के प्रधानमंत्री की है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि आपका परिवार कैसा है और परिवार के हालचाल पूछने के बाद प्रधानमंत्री ने कांगड़ा व चंबा में कोरोना की स्थिति के बारे में भी जानकारी हासिल की। ग्रोवर ने उन्हें बताया कि यहाँ सब ठीक है और कुछ तबलीगी जमात से आए लोग चंबा में थे तो उनसे यहाँ संक्रमण फैला है और अब हालत ठीक है। तो प्रधानमंत्री के अगला सवाल था कि क्या हिमाचल में तसल्ली बख्श चल रहा है और लोगों को राशन मिल रहा है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। चमनलाल ग्रोवर ने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री हिमाचल के लोगों के बारे में इतनी चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी टेलीफोन में ये वार्ता जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में शामिल हो गई है। चमनलाल ग्रोवर और उनके परिजन इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका मिला। 8:47 पर मेरे को कॉल आई एक। उन्होंने पूछा भी चमनलाल ग्रोवर जी से मिल सकते हैं। मैं क्या जी बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप अपना फोन को बंद नहीं करना, इसको बिजी भी नहीं करना, पीएम जी भी आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद फिर आ गया उनका फोन, प्रधानमंत्री जी का, बोलने लगे जी नमस्कार चमन जी नमस्कार। मैंने बोले हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर बोलने लगे आपका स्वास्थ्य कैसे है, परिवार कैसे है, सब कुछ पूछा मेरे से। उसके बाद फिर अगला सवाल था कोरोना के बारे में, कोरोना हिमाचल में कैसे है। मैंने कहा जी हिमाचल में कोरोना कंट्रोल में है, कोई चिंता की बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा भी हमारी सरकार, या हमने बोला सरकार ठीक काम कर रही है। फिर उन्होंने पूछा जी आपका प्रशासन, तो मैंने कहा प्रशासन हमारा बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने लास्ट सवाल ये किया कि आप ये देखना कोई भूखा ना रहे, सब लोगों का ध्यान करना, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाने को दे हमारे कार्यकर्ता। बस इतनी बात हुई, फिर नमस्कार हुई, बात खत्म। अपनी तरफ से मेरा ये संदेश है कि ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को मिले। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे विश्व के नेता है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और मोदी जी देश की सेवा करते रहे।